हेलो गाइज, मेरा नाम शाकिब और आप देख रहे हैं techhoop.com और होपफुली आप सभी बड़े मजे में होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कस्टम टेबल के बारे में। सो बेसिकली जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो मेरे को जानते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, थैंक यू सो मच गाइज। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि हल्का सा मैं अपने सेटअप में, ये जो मेरा सेटअप है, इसको मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। अभी काफ़ी कूल सा लग रहा है। एक लाइट मैंने जलाई हुई थी जस्ट इस वीडियो के लिए। तो इस सेटअप को हल्का सा इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत, थोड़ा बहुत आइडिया, थोड़ा बहुत रिसर्च लगेगा। तो उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात कर लेंगे और आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप एक अच्छा कस्टम टेबल बना सकते हो विदाउट एनी इशू और बहुत सारा पैसा बचा के। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात कर लेते हैं कस्टम टेबल और मेरे नए सेटअप के बारे में। और भाई, किसी का भी सेटअप जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा दिल के करीब होता है, तो ये वाला भी इसी टाइप का कोई सीन है। सो हल्का सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहली बात, ये वाला जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सैमसंग M31S से है। रीज़न इसका ये है कि इसमें एक फ्लिप वाला ऑप्शन है। मैं आपको बिना वीडियो पॉज किए हुए फ्लिप कर दिया, मैंने जस्ट अभी फ्लिप हुआ ये। और ये है मेरा सेटअप। आपको यहाँ पे ये वाला मैं आपको यूज़ कर रहा था लेंस, इतना ज़्यादा ये वाइड हो पा रहा था, ठीक है। अब मैंने लेंस हटा दिया है, इतना कम वाइड है। अब बात करते सेटअप के बारे में। सबसे पहली बात, तो अभी मैं इसमें आपको इशू जो है वो बताता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स रखे हुए हैं। ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है रियलमी X, बहुत लोग पूछते हैं। तो ये ऐसे फ़ोन रखे रहते हैं, जगह नहीं है। और नीचे में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे बॉक्स रख रहा हूँ मैं, नॉट का बॉक्स है, M31X का UPS है। और ये एक स्टीकर है, इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है मैंने कि कैसे आप वाइट टेबल बना सकते हो। और इस तरफ देखोगे तो बहुत ज़्यादा सामान पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जेल है मेरा और वो पाउडर है भाई, डार्क सर्कल कर देखो मेरा जो डार्क सर्कल है ना, इसको हटाने के लिए। तो ऐसे कुछ सीन रहता है। और जो नया टेबल बनने वाला वो ऐसे रखा रहेगा, यहाँ से टेबल शुरू होगा और आएगा यहाँ तक, इस खिड़की तक। और यहाँ पे मैं मॉनिटर रखने वाला हूँ अपना। और मॉनिटर के लिए मैंने मॉनिटर स्टैंड बनाया है और बहुत सारी चीज़ आपको अमेज़ॉन पर मंगवाया, जो कि 2 दिन का ये व्लॉग है, तो सब बताऊँगा आपको। पहला पार्सल आ चुका है, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे सब वीडियो के लास्ट में हर चीज़। और मेरा नाश्ता पड़ा हुआ देखो, किसान जैम। तो ऐसा कुछ सीन यहाँ पे होने वाला है। अब हल्का सा मैं आपको दिखाता हूँ जो काम शुरू हो रहा है मेरे, मतलब घर के जस्ट बाहर में ही काम शुरू हो रहा है। घर मतलब मेरा फ्लैट है, फ्लैट के आगे थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पे काम हो रहा है, कारपेंटर लोग अंकल लोग कर रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले अपना नाश्ता कर लेता हूँ। तो नाश्ता तो हो गया है। और ये वाली वीडियो कह सकते हो आपकी अ डे इन माई लाइफ भी हो सकता है। तो ये जो मैं काम करवा रहा हूँ, मैं इसमें अपना 1% भी पार्ट नहीं लेने वाला हूँ। मैंने बस बोल दिया कि मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए और आप ये प्रोडक्ट दो, नहीं मिला तो भाई हम तो भी आ रही हैं, हम तो दिखा देंगे आपको फिर अपना, ऐसे नहीं है। तो मेरे को मालूम मिल जाएगा कि बात अच्छे से कर ली, समझा दी अच्छे से। आपको मैं हल्का से दिखाता हूँ क्या काम चल रहा है अभी। तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है, बिल्कुल 0-0 शेप है अभी तो। 5 मिनट मतलब 1 घंटा हुआ स्टार्ट होते हुए काम। क्या मम्मी तो बिस्किट के हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो झाड़ू आके हटाना पड़ेगा सारा। वैसे एक बात बताता हूँ, गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है, अभी चाय बना रहा हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि बिहारी होने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है आपको कि हर टाइम पे हर जगह कोई ना कोई मिल जाता है जो बिहार से होता है, और आपको अच्छा खासा उससे सर्विस मिलता है, मतलब अपनापन तो मिल जाता है 100%। तो अब मैं चाय बना रहा हूँ अंकल लोग के लिए भी, और मम्मी के लिए भी, पापा के लिए भी, अपने लिए भी, भैया के लिए भी, पूरे घर के लिए। तो चलिए चाय बना सिखाते हैं आपको। सो ऑलमोस्ट 2:30 बज चुका है गाइज, और अभी काम वाम चल रहा है, मतलब स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन हल्का से दिखाता हूँ आप। ये बेसिकली टॉप का ही कटिंग है, 5 फुट लेंथ है इसका और 2 फुट की आपको यहाँ पे चौड़ाई है। और ये अभी सनमाइका लग रहा है वाइट वाला,
अगर आपको दिखाऊँ थोड़ा सा तो एक सेकंड ले लेते हैं। सो ये वाले सनमाइके पे हल्का सा टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा, ये काफ़ी सही सा टेबल टॉप दिखने वाला है वाइट कलर में, इसी के ऊपर वीडियोस बनेंगी। तो मैं ऐसे बैठ गया, टाइम पास नहीं करने वाला हूँ, अपना काम वाम करूँगा अब, फोर से बात है। सो ऑलमोस्ट 2:35 हो चुके हैं, तो आपको मैं हल्का सा अभी टाइम लैप्स दिखाता हूँ, उसके बाद वो मिलते हैं आपसे। टी टाइम वाइज सो बेसिकली अभी ना हल्का सा डिज़ाइन डिस्कस कर रहे थे अंकल के साथ ही। ये तो बहुत पुराना डिज़ाइन है। पुराना डिज़ाइन है अंकल, पुराना डिज़ाइन है, बहुत पुराना डिज़ाइन है। ये तो चल के फेल हो गया। फेल हो गया वो अच्छा आप डिज़ाइन दिखाइए एक बार। पहले चलता था 50 साल पहले। ये एक्चुअल टेबल का डिज़ाइन है, ये वाला जो ड्रॉवर का लॉक सिस्टम है काइंड ऑफ, ये अंकल लोग बोल रहे हैं पुराना डिज़ाइन है। तो अरे आप डरा रहे हो मेरे को यार। अरे ऐसा है सर जी, आप कभी भी जो चीज़ सही बन रही है तो वो खांचा कटने के बाद देखो क्या दिखा रहे हैं, बताइए। ये सेफ आएगी कट के, ये अच्छे ऐसा कट के आएगा। अच्छा तो ये कोर है इसकी। हाँ। ये बिल्कुल सेम रहेगी। अच्छा सेम राउंड होगा तो टेप नहीं लगेगी, फिर पेंट कराना पड़ेगा। टेप चौरस होती है, राउंड अच्छे से बनाया हुआ, देखिए पेंट करा हुआ है ना, ये पेंट है वो। हाँ ये पेंट करा हुआ है इसका, ये साइडों में जब इस पर टेप लगेगा तो ये चीज राउंड नहीं होगी, इस पर व्हाइट पेंट ही करा हुआ है, नॉर्मल व्हाइट पेंट। हाँ तो लंबा खेल है। तो गाइस ऑलमोस्ट 4:40 हो रहा है और हल्का सा डिज़ाइन में चेंज है। मेरे विश लिस्ट में एक और टेबल था और जो मेरा टेबल है उसका इंस्पिरेशन टॉप से ऐसा है, ड्रॉवर से ऐसा ही है, तो ड्रॉवर का इसी का पूरा इंस्पिरेशन लेते हैं और इसके बाद बनाते हैं। तो अभी आज का काम ऑलमोस्ट जितना भी कटिंग वटिंग था सब हो गया, पेस्ट वेस्ट हो गया, कल से ना हम लोग को शेप दिखने लगेगी बेसिकली, ये होगा। गुड मॉर्निंग गाइज, डे 2 स्टार्टेड हियर। सो जस्ट अभी उठा हूँ मैं और 7:30 हो रहा है बेसिकली, अभी मुँह धोने के बाद 20 मिनट लगे मेरे को। और देखो आज मौसम भी बड़ा बहुत अच्छा अच्छा मौसम, मतलब हवा बहुत अच्छी चल रही है। वैसे अभी मेरे को एक वीडियो भी शूट करनी है, नॉर्ड और ये जो जिसे रिकॉर्ड हो रहा है M31S का स्पीड टेस्ट है, ये रहा नॉर्ड और M31S का कंपैरिजन है। तो बस अभी बनाएंगे वीडियो, पता चल जाएगा, लेकिन पहले चाय पीते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। चुटकी नहीं बजी, बाय। सैड तो गाइस ठुकाई पिटाई वाला काम जो था स्टार्ट हो चुका है, आप सुन रहे होगे खट खट खुट खुट। तो अभी जो स्ट्रक्चर कंप्लीट होने वाला है वो दिख रहा है बेसिकली, जो ड्रॉवर है वो बन चुका है, आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। अभी मैं नहा हुआ के तैयार हो चुका हूँ, थोड़ा सा यू नो गोरा। सो बेसिकली ये एक ड्रॉवर है, ये ड्रॉवर है। टाइम लैप्स चल रहा है यहाँ पे और टेबल टॉप कंप्लीट होने ही वाला है। सो ऑलमोस्ट 1 बज गया है और काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ अगर। सो टेबल का शेप मेंटेन हो चुका है, ठीक है। और ये वाला जो सनमाइका है ये मैट फिनिश के साथ है, ये हल्का सा इसके ऊपर एक टेक्सचर आता है तो आपको यूज़ करने में ज़्यादा सही से रहता है। ज़्यादा शाइनी मैंने यूज़ किया क्योंकि वो गंदा जल्दी होता है और उस पर स्लिपी होता है सामान। और ड्रॉर भी पूरा एकदम फुल स्पेस यूज़ होगा, 2 ड्रॉर रहेगा और एक नीचे में कैबिनेट सा रहेगा। सो डे 2 कम्प्लीट हो चुका है और डे 2 में काम कम्प्लीट नहीं हो पाया, मुझे ऐसा लगा था कि 2 दिन काम में कम्प्लीट हो जाएगा, मुझे ऐसा इशू नहीं हुआ है क्योंकि मेरा जो अमेज़ॉन का डिलीवरी था 2-3 बचा हुआ है अभी। एक मॉनिटर स्टैंड है और एक लाइटिंग सेटअप है, नियॉन लाइटिंग मैंने ऑर्डर की है, वो है, आपको दिखाने वाला हूँ सब चीज़। और जस्ट अभी मैंने OnePlus Nord के गूगल कैमरा का वीडियो ड्रॉप किया है। ओके सो इट्स डे 3 और अभी मैं जस्ट सो के उठाऊँ बिकॉज कि मैं भी थक गया हूँ यार, अंकल भी थक गए हैं,
कल रात में मैं काफ़ी लेट सोया था वीडियो करके, अराउंड 3 बजे या ज़्यादा ही उससे, और अभी वीडियो एडिटर के पास है तो अभी वो आएगी शाम में, उसके बाद फिर देखेंगे, फिर अपलोड करेंगे। लेकिन आपको अपडेट दे देते हैं कि टेबल कितना बन चुका है, अभी ऑलमोस्ट 3 बज रहा है। पेच ले आओ उनके पकड़ने वाले। अच्छा पेच ले आएंगे अंकल, लाइफ में है बहुत दिक्कत। सो ऑलमोस्ट टेबल हो गई कंप्लीट। इसका जो ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन उन्होंने अलग से लगवाया ताकि आपको हाथ ना ऐसे अड़ेगा नहीं, और इसके ऊपर अभी होगा वाइट पेंट ताकि इसका जो कलर है वो एक सिमेट्री मेंटेन करके रखेगा। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, बस इसमें हैंडल वैंडल लग रहा है। और अंकल कितने साल चल जाएगा ये, अराउंड कितने साल चलेगा? 10 साल 20 साल? 15 साल। तो जो प्राइस में बना है ना ऑनलाइन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है। काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, ऑलमोस्ट 6 बज रहा है शाम का, तीसरा दिन है, टेबल कंप्लीटेड है, हर एक चीज़ कंप्लीटेड है यहाँ पे, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है। अभी मैंने पूरी सफाई वफाई की यहाँ पे, की पूरी सफाई हो गई है, जो ये वाला पार्ट जो फर्नीचर टाइप का, इसके ऊपर पेंट करना है बेसिकली, तभी जाके सिमेट्री मेंटेन होगा वाइट एंड वाइट का। तो अभी टेपिंग की है मैंने, टेप्स यहाँ रखे हुए हैं, और ये रहा 2 ml पेंट है जो कि एक्स्ट्रा लाना पड़ा मुझे, और ब्रश, तो ये वाला काम मेरे को खुद से करना पड़ेगा, तो अभी करते हैं। तो अब बात करते हैं कितना पैसा, तो अब पास आ जाओ थोड़ा सा बताता हूँ, फिर पास आ जाओ थोड़ा सा, अब बताते हैं आपसे कितना पैसा लगेगा आपका। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ का ध्यान रखना है जब भी आप किसी भी कस्टम बिल्ड कुछ भी करवाते हो, तो ज़्यादा पास आ गए तुम लोग लगता है। सबसे पहले आपको कुछ प्रो टिप्स दे देते हैं, डिज़ाइन पे आप वर्क करना पड़ेगा आपको, डिज़ाइन आपके जैसे दिमाग में होना चाहिए, हेड में होना चाहिए, जैसे कि मेरा वाला ये आइकिया वाला था, और ऐसे ही कुछ डिज़ाइन आप भी सेलेक्ट कर सकते हो, और उसी डिज़ाइन को आप समझाओ कारपेंटर अंकल को, और उसके बाद वो उसके हिसाब से बताएंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है क्या नहीं है, कितना रुपये लगेगा कितना रुपये नहीं लगेगा। दूसरा चीज़ है रिसर्च करना, किसी भी कारपेंटर और शॉप वाले से बात करने से पहले आपके पास प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए, नहीं तो भाई बोलते हैं ना ठगा जाओगे, तो इसे ठगा सकते हो, और मैं ठगाया नहीं हूँ बिल्कुल भी, पक्की बात है, मैं कॉल में जाओ जाकर टाइप करो हेलो गूगल हेल्प मी, तो बस कर देगा आपकी हेल्प। तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन था, प्लाईवुड और हार्डवुड, दोनों में से मैंने आपको प्लाईवुड चूज़ किया क्योंकि हार्डवुड के जो कॉस्टिंग जा रही थी वो मेरे जेब के औकात से आगे था, और प्लाईवुड भी इतना कमज़ोर नहीं होता, और जो आइकिया का टेबल है वो तो हनीकॉम टेबल है, जैसे कि दिल्ली में कहते हैं हम उसको गत्ता कहते हैं, गत्ते वाला टेबल है, उसमें आप ऐसे 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 नहीं मार सकते हो बिल्कुल भी। और तीसरी चीज़ है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट कीजिए आप सामने वाले बंदे को जो कि काम कर रहे हैं, अगर आप उनको प्यार से ट्रीट करोगे ना तो आपका काम बहुत ही अच्छा होगा, और वो मन से काम जब करेंगे तो आपका काम भाई एकदम ओपी लेवल का होगा, और मेरा भी काम ऐसे कुछ हुआ है, और मैंने इसी खुशी में आके मेरे को लगा कि यार अंकल ने बोला था 2 दिन लेकिन काम किया उन्होंने 3 दिन, मैंने 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐसे बढ़ा के दे दिया, और अंकल का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा अंदर डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आप दिल्ली से हैं तो उनको आप कॉल वॉल करके काम करवा सकते हो, मतलब कि दिल्ली में कहीं भी आप आ जाएंगे वो, तो ऐसा कोई सीन, अच्छा खासा उनका शॉप है यहाँ पे, मतलब बड़े लोग हैं वो भी। तो यहाँ पे 3 चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो मेरा कॉस्ट यहाँ पे लगा है 9000 प्लस 500 रुपीज़ ऐसे अंकल को, और थोड़ा बहुत आपको हैंडल में और आपको प्लान में जो चेंज वेंज हुआ है उसकी वजह से हुआ था, तो 500 रुपये उसके मैं रखता हूँ, तो मेरा 10000 रुपये में बहुत ही अच्छा एक टेबल बन के आया है। तो यही कुछ था मेरा सीन, आप भी कुछ ऐसा ही करना तो अच्छा रहेगा, ऐसे टेबल बन चुकी है। ये वाला शॉर्ट मैं आपको बस एडिटिंग से 2 मिनट पहले कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि पूरा पूरा जब काम कर लेंगे एक्सपीरियंस ले लेंगे उसके बाद शॉर्ट एडिट करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जो मेरा टेबल सेटअप होने वाला है ना उसका मैंने बहुत सारा चीज़ ऑर्डर किया है, बेसिकली अमेजोन से भी 3-4 पार्सल आ चुका था, अभी मैंने ऑफलाइन शॉपिंग की, थोड़ी बहुत लेंस वेंस लिए और थोड़ा बहुत और सामान लिया जो आपको दिखाऊंगा वीडियो में, और काफ़ी कुछ मैंने ऑर्डर किया है अमेजोन से जो कि अभी तक डिलीवर हुआ नहीं है, और एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको टेबल पूरा सेटअप करके दिखाएंगे, और उसको कहेंगे फिर इसका पार्ट 2। तो अभी के लिए कस्टम टेबल के इस वीडियो में इतना ही था, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ।